welcome to a brand new edition of Spot Boy, Sab Kuch Bollywood. I'm Shardul and show ko kickstart karte hain with this hot khabar. Big banners, big heroines aur big films ki kami nahi hai Ranbir ke paas. Agar kami hai to sirf ek badi hit ki. 2015 unke liye raha behad disappointing. क्या बॉम्बे वेलवेट और क्या तमाशा. लेडी लक जस्ट रिफ्यूज टू स्माइल एट मिस्टर कपूर. तभी बोला था दीपिका से. एनीवेज, और ऐसे में ही इज गॉन एंड सेड नो टू करण जौहर्स नेक्स्ट बिग फिल्म. व्हाट्स हैपनिंग गाइस, व्हाई इज रणबीर फिल्मी मैथमेटिक्स गोइंग सो रॉन्ग. इंडस्ट्री में इट्स एन ओपन सीक्रेट कि अगर करण जौहर आपको रोल ऑफर करें तो उन्हें मना नहीं करते, पर शायद रूल्स डोंट अप्लाई टू रणबीर कपूर. करण एंड सिस्टर्स पूजा एंड आरती शेट्टी कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन द बायोपिक ऑन द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद. टाइटल रोल के लिए करण ने रणबीर से बात की. यू सी, करण रणबीर को ए दिल है मुश्किल में डायरेक्ट कर रहे हैं और लंदन स्केड्यूल के दौरान करण ने मौका देखकर ऑफर कर दिया रणबीर को रोल. अब एनीवन एल्स इन देयर राइट फ्रेम ऑफ माइंड वुड किल फॉर अ रोल लाइक दिस, पर रणबीर ने क्या किया. आर के जूनियर ने करण को साफ मना कर दिया. Imagine Karan's shock. Karan ko laga hoga ki Ranbir would jump at the offer, but no, he didn't. Par agar aap Ranbir ka reason sunoge to shayad things might make sense. Ranbir already kar rahe hain Sanjay Dutt ki biopic where he's playing Sanju Baba. To Ranbir ab ek aur biopic ke liye shayad nahi hai ready. Two biopics in a row just sounds monotonous, no? Isi wajah se Ranbir Kishor Kumar ki biopic nahi kar rahe hain. अब शुद्धि की ही तरह करण की एक और फिल्म इज इन लिम्बो. जब स्पॉट बॉय ने को प्रोड्यूसर पूजा शेट्टी से बात की, शी टोल्ड अस, इट्स माय प्रेरोगेटिव टू अनाउंस माय कास्ट व्हेन आई एम रेडी. आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन. कौन लेगा रणबीर की जगह और कब? स्पॉट बॉय विल ब्रिंग द न्यूज टू यू फर्स्ट अप. कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर.